मेडिसिन चूज़ करने का पर्पस मेरा ये रहा कि यू नो एनवायरनमेंट से भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. तो मेरे सिबलिंग्स को जब मैंने देखा कि जब वो एज अ डॉक्टर अपने फील्ड में काम करते हैं, तो एज अ चाइल्ड आई वाज ऑलवेज वेरी पैशनेट अबाउट स्टडिंग मेडिसिन. और इतना नोबल प्रोफेशन जो आपको सोसाइटी में और डिफरेंट पीपल जो आपको जानते भी नहीं है, बट आप सिर्फ डॉक्टर वर्ड से इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं. इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट सोसाइटी में होती है. इवन आप किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ अमेजिंग. और इंडिया में तो जैसे डॉक्टर की अलग ही रिस्पेक्ट होती है. एंड मेडिसिन वाज वन ऑफ माय फेवरेट कोर्स बिकॉज साइंस से मेरा काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल लाइफ. आपके नियर बाय क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट इट. दैट्स वाई इंटरेस्ट जो साइंस में था वो बढ़ता ही गया और वो अब MBBS तक पहुँच गया है. हमारे साथ है हिबा चौधरी, जो कि सार कोटा के थ्रू MBBS एडमिशन ली है बांग्लादेश में, वहाँ के टॉप मेडिकल कॉलेज जो कि ढाका मेडिकल कॉलेज है. तो हिबा वेलकम. थैंक यू सर. तो आप अपने बारे में बताओ हिबा. फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ हिबा चौधरी और मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. और टेंथ में मेरे परसेंटेज 90.17 थे एंड ट्वेल्थ में PC भी सब्जेक्ट रहा मेरा और उनमें 100 मार्क्स हैं. और फिर 100% या ओके वेरी गुड. नीट के फिर 2 अटेम्प्ट्स के बाद में उम्मीद नहीं थी इस बार भी मार्क्स के अकॉर्डिंग कि इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में को मिल जाएगा. स्टिल आई वॉज गोइंग फॉर काउंसलिंग, बट लास्ट ईयर जब सर से हमारी मुलाकात हुई, फिर सर को हमने बस डॉक्यूमेंट्स दिए और उसके बाद मैंने मेरी प्रिपरेशन फिर स्टार्ट कर दी. तो जो प्रोसीजर था वो भी मेरी स्टडीज़ पर बिल्कुल इम्पैक्टफुल नहीं था, बस आपको डॉक्यूमेंट्स दिया और मैं फ्री थी. तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि सार्क कोटा क्या होता है और सार्क में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है. एक्चुअली लास्ट ईयर 2 साल हो गए हैं करीब, क्योंकि बांग्लादेश का सेशन थोड़ा डिले हुआ है 22-23 का. तो सार्क का रिजल्ट अभी 31 जुलाई को आया है और जो कि इसमें कुछ सीट्स होते हैं, 22 सीट होते हैं टोटल इंडिया से, हर कंट्रीज से होते हैं. टोटल 9 कंट्रीज़ हैं जिसमें अलग अलग सीट एलोकेट होती है. आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है. तो इसमें क्या होता है कि आपको 3 सीट ढाका मेडिकल कॉलेज की होती है, इंडियन सीट, जिसमें से सेकेंड नंबर पर हिबा आई है और 100% था 12th में और 10th में भी 90% था. तो 22-23 के सेशन में इसका एडमिशन हुआ है. तो हिबा आपको कैसा लग रहा है? सर आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज जहाँ पे मुझे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद नहीं थी, वहाँ मुझे बांग्लादेश का बेस्ट कॉलेज मिला, जिसका हॉस्पिटल बांग्लादेश का सबसे लार्जेस्ट हॉस्पिटल है. तो वो मेरा पैशन जो मेडिसिन को लेकर है उसमें भी वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा. और फिर जैसे कि सीकर में कोचिंग्स बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव माहौल है, उसके अकॉर्डिंग बस नीट का ही हमारे दिमाग में होता है कि नीट के बिना आपका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता. बट ढाका मेडिकल कॉलेज इज़ ड्रीम कॉलेज बांग्लादेश के स्टूडेंट के लिए भी, और जब मैंने उसके बारे में जाना तो आई वॉज वेरी हैप्पी. तो ढाका मेडिकल कॉलेज एक बच्चे का सपना होता है, जैसे इंडिया में एम्स है उसी से बराबर कॉलेज ढाका मेडिकल कॉलेज है. वहाँ के लोकल बच्चे और फॉरेन स्टूडेंट्स, इवन कनाडा से भी बच्चे जाते हैं, अप्लाई करते हैं, USA से भी अप्लाई करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से अप्लाई करते हैं इस कॉलेज के लिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट टॉप मेडिकल कॉलेज आता है वर्ल्ड में. तो उसमें हिबा का एडमिशन हुआ है. और अगर फाइनेंशियल बताना चाहे तो इसमें आपको टोटल बजट 3-4 लाख में आपका पूरा MBBS कंप्लीट हो जाएगा. जैसे जो इंडिया में बच्चे सोचते हैं कि मेरे को ड्रीम कॉलेज मिले, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिले. सर से तो मीटिंग इस तरीके से हुई कि सर का जो हमारे सिटी में सेमिनार हुआ था वो मैंने नहीं, वो मेरे फादर ने अटेंड किया था. और फिर सर के फादर की मीटिंग हुई, उनका डिस्कशन रहा. उसके बाद में पापा ने फिर सोचा कि हम एलिजिबल हैं उसके लिए क्राइटेरिया में, तो फिर क्यों ना इसके लिए अप्लाई किया जाए. और अप्लाई करने के साथ में सर का इतना ज़्यादा you know, हमारे साथ में राहुल अभिषेक जी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, समझाया. और जो शार्क एजुकेशन जो है स्कीम बांग्लादेश की, उसके बारे में हमें बताया. फिर हमने यहाँ पे अप्लाई किया एजुकेशन अब्रॉड में और यहाँ पर इतना ज़्यादा कोऑपरेशन रहा कि मैंने मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी. यहाँ पे जो प्रोसेसर था वो अपने आप ही हैंडल होता था और मेरे ऊपर उसका कोई बर्डन नहीं होता था. फिर हमने बांग्लादेश के लिए अप्लाई किया. बांग्लादेश में ढाका मेडिकल कॉलेज अभी अलॉट हो गया है और बांग्लादेश और इंडिया का कल्चरल डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है. इवन बांग्लादेश का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है,
और जो डिजीज पैटर्न है इंडिया में बांग्लादेश में वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बहुत खुशी है सर, दिल से बहुत खुशी है कि हमें जो वहाँ उनकी हेल्प के जरिए हमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट सीट मिल गई। मैं इतना कैपेबल नहीं था कि जो बच्चे को पेमेंट सीट जो है इंडिया में या इंडिया के बाहर में दिला पाऊँ। जूनियर्स को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ना तो बोर्ड्स को हल्के मिले ना ही आप नीट को हल्के मिले, आप जिस भी लेवल पर हैं चाहे आप बोर्ड्स में हैं या नीट में, अपना बेस्ट दें। और फिर नीट में तो जैसे कि कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, आप अपने एफर्ट्स को भी उसी तरीके से पैरेलली इंक्रीज़ करते जाएँ। और नीट में आपकी जब तक हिम्मत रहे आप बिल्कुल ड्रॉप लें और अपने आप को चांस दें, बट इतना ज़्यादा भी टाइम वेस्ट ना करें कि हम हमारे 20s के पार ही चले जाएं और हम कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, यू नो हमारे पास कोई बैक में सपोर्ट नहीं है। इसलिए अगर आप अब्रॉड में जाते हैं तो फिर उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ तक लिमिट नहीं रहना चाहिए कि हमारे सिटी में ही हम अप्लाई करें या हमारे स्टेट का ही कॉलेज हमें मिले। ऑल ओवर इंडिया और फिर इंडिया के बाहर सेवरल कंट्रीज है जहाँ पर भी आप जा सकते हैं और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी और एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ मिलेगा। सर अगर आपका बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको हिम्मत दिलाते रहिए, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों को तो उनको बहुत हमेशा उनको जो हिम्मत दिलाते रहिए और ज़्यादा टाइम ना ख़राब करें आप इंडिया के अंदर, साल एक अटैम्प्ट लास्ट जो है दो अटैम्प्ट के बाद भी अगर बच्चा इतने नंबर नहीं ला पा रहा है तो फिर आपको कैपेबल हो तो आपको जो है विदेश की तरफ जाना चाहिए, आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे। गवर्नमेंट सीट अगर बांग्लादेश की है वो दिला पाएंगे तो उसमें भी आपको खूब कोऑपरेट करेंगे, भरोसा कर सकते हैं आप इन पे। एज फॉर बांग्लादेश तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर, बट एक जो नर्वसनेस वहाँ है वो बस लैंग्वेज डिफरेंस ही है। और आई गेस इंग्लिश के अकॉर्डिंग कॉलेज में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट यू नो मार्केट में या फिर सोसाइटी में आपको बात करने के लिए ऑब्वियसली बांग्ला सीखनी पड़ेगी, वो एक थोड़ी नर्वसनेस है। बट बांग्लादेश जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं मेरी सिटी से मूव आउट कर रही हूँ। 12th तक और नीट के अटैम्प्ट तक भी मैंने मेरी पूरी एजुकेशन मेरी सिटी सीकर राजस्थान से ही की है, और फर्स्ट टाइम मैं इंडिया के बाहर जा रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट डिफरेंट पीपल एंड टू यू नो एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। मैं फाइनली 20 अगस्त को बांग्लादेश के लिए डिपार्ट कर रही हूँ।